आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिपाठी। कोरोना संकट में अगर कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलेगा, और ये अच्छी खबर आज छत्तीसगढ़ से आई है। हालांकि ये कोरोना से तो संबंधित नहीं है, लेकिन त्रासदी के बीच किसानों को राहत देने वाली जरूर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हो गई है। न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस योजना से प्रदेश के किसानों के जीवन स्तर में कोई सुधार आएगा? न्याय योजना से क्या सरकार के फसल विविधीकरण के प्रयास को सफलता मिलेगी? क्या मक्का, दलहन, तिलहन और गन्ना के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकेगी? आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ ही रुख मध्य प्रदेश का भी करेंगे, जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये उपचुनाव प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। प्रदेश में किस दल के अगले 3.5 साल तक सत्ता रहेगी, ये इन्हीं उपचुनाव के नतीजे से तय होगा। प्रदेश की सियासत में ये पहला मौका है जब उपचुनाव तय करेंगे कि सरकार बनेगी या बचेगी। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है। एक और कांग्रेस इन उपचुनाव को जीतकर दोबारा सरकार बनाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी इन चुनाव से अपनी सरकार बचाने की कोशिश में है। अब सफलता किसे हाथ लग सकती है, ये विधानसभा क्षेत्रवार हम हर रोज जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हम आपको आगरा ले चलेंगे और जानेंगे यहाँ के मौजूदा राजनीतिक हालात क्या है। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहाँ किसानों को न्याय की उम्मीद जुटी है। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में योजना का आगाज किया। सोनिया गांधी और राहुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस योजना का सीधा लाभ प्रदेश के 19 लाख किसानों को होगा। राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर विस्तार से बात करें, चलिए इसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के किसानों से जो वादा कांग्रेस ने किया था, उसे सरकार बनते ही पूरा किया गया। वहीं सरकार बनने के बाद जो वादा किया गया, उसे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब पूरा कर दिया। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसान परिवारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को बोनस और अंतर की राशि प्रदान की। खरीफ सीजन में धान, मक्का, गन्ना की खेती करने वाले किसानों को इसका लाभ हुआ है। इसी के साथ वर्ष 2018-19 में बोनस की बकाया राशि 10,27,00,000 रुपए, 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 24,414 किसानों को दी जाएगी। योजना के शुभारंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि किसान न्याय योजना राजीव जी के सपनों को साकार करने जैसा ही है, और वो इसके लिए भूपेश सरकार को बधाई देती है। उन्होंने इस योजना को किसानों के लिए क्रांतिकारी योजना भी बताया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि देश को दिशा देने वाली योजना है। प्रदेश सरकार ने दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को भी अब सहायता देने की बात कही है। सीएम भूपेश के मुताबिक इस योजना से हर किसान को फायदा होगा। किसान न्याय योजना क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। आगामी 4 वर्ष में हम अपने देश के सर्वाधिक गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे। कोरोना संकट के बीच भूपेश सरकार ने इस योजना के जरिए न सिर्फ किसानों को राहत दी है, बल्कि खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी या कहें कि एक नई जिंदगी दी। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये है कि आने वाले सालों में क्या ये योजना इसी तरह संचालित होती रहेगी, या वाकई में इसका लाभ किसानों को आने वाले वर्षों में बिना किसी बाधा के मिलता रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। तो किसानों को न्याय आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं शिक्षा मंत्री जी हैं, प्रेम सहाय सिंह जी हैं। प्रेम सहाय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। कृषि विशेषज्ञ साकेत ठाकुर हैं। ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज बघेल भी हमारे साथ दूरभाष पर जुड़ेंगे, और भोपाल स्टूडियंट्स हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पटेल जी। पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, पहले आपसे ही सवाल है, इस योजना से क्या लगता है आपको
कि किसानों को पूरी तरह से राहत मिल जाएगी, और दूसरा सवाल यह है कि 5700 करोड़ रुपए जो आपने निर्धारित किए हैं उसमें पहली किस्त में आज आप कितना रिलीज किए? देखिए, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर उनको नमन करते हैं, और किसानों के लिए बहुत राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है कि 19 लाख हमारे जो किसान हैं, जो धान की खेती करते हैं, गन्ना की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, उनको हम अदान की राशि लगभग हम लोग 5700 करोड़ की जो धनराशि है उनके किसान 19 लाख किसानों के खाते में जाएगा, और ये चार किस्तों में इसको हम लोग उनको देंगे। आज पहली किस्त में 1500 करोड़ का हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बटन दबाकर उनको शुभारंभ किया है, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी, पुनिया जी, मोतीलाल जी बोल, सभी लोग इसमें जुड़े थे, और पूरे मंत्रिमंडल, पूरे विधायक, सभी प्रदेश के पार्टी पदाधिकारी, किसान, चाहे गन्ना किसान हो, धान किसान हो, सभी लोग उसमें जुड़े। और एक हम लोग के सोचना है कि जो हम लोग ने किसानों से जो वादा किया था, किसान हमारे पर विश्वास करती हैं, और हम किसान को जो वादा किए हैं उनको पूरा करने की दिशा में इससे पहले भी हम लोगों ने कर्जा माफी किया था, और कर्जा माफी से बहुत लोगों को फायदा हुआ। जो देश के जो अन्य क्षेत्रों में जहाँ मंदी का दौर था, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो मंदी नहीं थी, तो किसानों जो आज किसान पूरे गांव में रहता है, और करीब 70-80% किसान हमारे जो गांव में रहते हैं, आज गांव की आर्थिक स्थिति को संपन्न करने की जरूरत है। ये जो शुरुआत हुई है राजीव गांधी न्याय किसान न्याय योजना, इससे सीधा सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, और इसके साथ ही हम लोग आगे आने वाले समय में वो चाहे दलहन का हो, तिलहन का हो, ये सबको इसमें जोड़कर और किसानों की सहायता करेंगे, जिससे कि जो यहाँ उसकी कमी है उसकी पूर्ति हो सकता है। बिल्कुल सिंह साहब, एक सवाल यहाँ ये भी है कि क्या ये जो बहुत आपको बधाई है किसान न्याय राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की है आपने, क्या आपको लगता है ऐसे करने से किसानों का जीवन स्तर सुधर जाएगा? हाँ, बिल्कुल सुधरेगा इसमें, और कोई राज्य तो ऐसा सामने आया है जो इतना हिम्मत करके ये काम किया है। मेरे ख्याल से देश का पहला राज्य होगा छत्तीसगढ़ जो किसानों के हित के लिए और किसानों के साथ न्याय करने की बात सोची है और करके दिखाया भी है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि ये पूरे देश को एक दिशा देगा कि किसानों किस प्रकार हम लोग उनको आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं। देखिए, अगर किसान संपन्न होगा तो जो 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 पैसा उसमें रोटेट होगा, वो जिसे उनके पास जो धनराशि आएगा तो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो बिल्कुल कोई सामान खरीदेगा, व्यापारियों के साथ जाएगा, तो व्यापार भी बढ़ेगा, और छोटे मोटे जो व्यापार है उनकी भी वृद्धि होगी, उद्योग नए उसमें आएंगे। तो ये केवल किसान ही के नहीं है, बल्कि छोटे व्यापारी, इसे भी उनकी लाभ होगा और विकास होगा। इसलिए मैं पहले कहा कि जब हम लोगों ने यहाँ पर कर्जा माफी की थी तो पूरे देश में जहाँ आर्थिक मंदी और का दौर था, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं थी, वहाँ संपन्नता थी वहाँ पर। जी सुन साहब, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ संकेत जी भी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करें, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पटेल जी हैं जिन्होंने भी इस आपकी योजना पे काफी कुछ लिखा है, पढ़ा है, समझा है। आने के बाद हम आपसे जरूर पूछेंगे कि इस आर्थिक मंदी के दौर में 5700 करोड़ जब आपको केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की आवश्यकता थी, आर्थिक पैकेज की आपने डिमांड भी की थी, लेकिन वो नहीं मिली, फिर भी आपने कैसे कहां से किया, 5700 करोड़ छोटा नहीं होता है, कैसे किसानों के लिए
कहां से राजस्व आपने लेकर के और उनको डाइवर्ट किया, हम आपके पास आएंगे जानेंगे। एक बार पटेल जी थोड़ा सा फिर संकेत जी के पास जाएंगे। पटेल जी आपको क्या लगता है इस योजना से छत्तीसगढ़ क्या नजीर बनेगा पूरे देश में? छत्तीसगढ़ तो नजीर इससे बन चुका है कि उसकी शुरुआत कर दी है जी। और ऐसा और राज्य में नहीं, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय एक न्याय योजना का नाम दिया, वो सबके लिए थी, किसानों के लिए भी शुरुआत की। आज के समय में कोरोना में संकट चल रहा है और किसानों के से लेके को पैसे की कमी है, ऐसे समय में ये पैसा मिलता है तो उनको इससे फायदा होगा। दूसरा उसमें ये इसी में है कि भूपेश बघेल सरकार शुरू से ही अच्छे काम वहाँ करते रही है, अन्य कांग्रेस शासित सरकारों की तुलना में तेज गति से काम उन्होंने किए हैं। ऋण मुक्ति भी पहले की, ऋण मुक्ति में कोई विवाद नहीं हुआ, किसानों तक पैसा पहुंचाया छत्तीसगढ़ में। आज भी जो पैसा 1500 करोड़ दिया है उसके बाद आगे और देंगे, और ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की जाके खेतीहर मजदूरों को भी पैसा दिया जाएगा, क्योंकि पैसा सीधा खाते में गया है, इसलिए ना तो कोई बिचौलिया रहेगा बीच में, ना कोई और बीच में कि उनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो किसान खाते में पैसा जाना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी अर्थशास्त्री हैं दुनिया के अपने या भारत के पुराने अर्थशास्त्री हैं बड़े बड़े, उनका कहना है कि आज लोगों को आर्थिक पैकेज में नकद पैसे देने की जरूरत है, दीर्घकालीन नहीं, ऐसी योजना जो तत्काल हो, उनको पैसे की आज जरूरत है। बाकी जो पैकेज आया उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो दीर्घकालीन योजनाओं का है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पहल की है वो अपने आप में सराहनीय है और किसानों के जीवन स्तर को उठाएगी। तो ऐसे समय ये जो पैसा दिया ये वह है जो किसानों को सरकार ने वायदा किया था, हम आपको इतना मूल्य देंगे, भारत सरकार से मिले उसका अंतर दे रहे हैं, और धान को अलग से बोनस की जो बात की थी वो बोनस की जो राशि वो इसमें शामिल है। जबकि केंद्र सरकार ने इस बात का अड़ंगा भी लगाया था कि अगर आपने इतने समर्थन मूल्य से ज्यादा में लिया तो हमें जो केंद्र के कोटे की धान है वो हम खरीदेंगे नहीं, उन्होंने वो भी लगाया था और वो कहीं नहीं दे रहे हैं पैसा। लेकिन ये पैसा छत्तीसगढ़ सरकार देने की शुरुआत की है तो इससे किसानों का जीवन स्तर तो सुधरेगा, ये सही है। जैसे प्रेमसाय सिंह जी ने कहा कि से वो जाए तो आपको याद होगा त्रिपाठी जी, यहाँ अपने आए शिवान सोलंकी भी वित्त मंत्री थे, वो अपने बजट भाषण में भी अक्सर कहा करते जब वित्त मंत्री थे कि किसान की हालत सुधरेगी तो देश मजबूत होगा, किसान जाएगा निकलेगा तीर्थयात्रा जाएगा मंदिर मजबूत होंगे कुछ खरीदेगा छोटे उद्योग धंधे चलेंगे। तो प्रेमसाय सिंह जी उस समय विधायक थे जब ये यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा में इस प्रकार का तर्क दिया करते थे, तो ये बिल्कुल सही है कि यदि किसान मजबूत होगा तो इकोनॉमी को थोड़ी गति मिलेगी, गाँव में थोड़े छोटे छोटे कस्बों में मिलेगी, और इसलिए ये योजना अपने आप में क्रांतिकारी योजना है जी। किसान ही इस देश में कोरोना संकट में किसान ही आर्थिक स्थिति को संभाल सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने। संकेत जी हमारे साथ, संकेत जी इस योजना से किसानों को कितना बल मिलेगा? चार किस्तों में भूपेश सरकार ने इनको देने की बात कही, पहला जुताई होती है और बुवाई होती है, फिर उसके बाद खाद की बात आती है, फिर निराई की बात आती है, फिर अंत में कटाई और धान निकालते। तो ऐसे स्थिति में पहली किस्त जो 1500 करोड़ जिसे सिंह साहब ने कहा है कि 1500 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे बटन दबा के, आज मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया है, तो इसका कितना फायदा मिलेगा और कैसे मिलेगा इसका? त्रिपाठी जी, ये तो एकदम सच है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, खासकर कोरोना की वजह से और आंधी तूफान की वजह से, बारिश की वजह से किसानों की खेती बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी जी। और इन हालात में किसानों को अभी सही वक्त पर मदद मिलना यह बहुत बड़ी बात है, मैं कहूंगा, क्योंकि यह जो राशि चार किस्तों में दी जा रही है जी, ये बहुत अच्छे ढंग से दी जा रही है। जैसे अभी बोनी की तैयारी चल रही है जी, जुताई कर रहे हैं खेतों में, इसकी व्यवस्था करनी है जी। तो इसके लिए सरकार ने पहली किस्त जारी कर दी, मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरी और तीसरी किस्त, चौथी किस्त धान की फसल कटने के पहले पहले किसानों को वाजिब समय पर मिल जाएगी जी। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जिस तरह से दूरदृष्टि दिखाई है कि केंद्र सरकार ने बोनस देने से मना किया, तो भूपेश बघेल जी ने किसान न्याय योजना को लाकर किसानों को अपने से किया वादा पूरा किया, यह बहुत बड़ी बात है। अन्यथा ऐसा लगता था एक समय में कि किसानों को बोनस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो किसान न्याय योजना एक बहुत अच्छा माध्यम निकला। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, धान बोनस पे ऐसा लगता था कि सिर्फ धान उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को, मक्का उत्पादक किसानों को जिस तरह से बोनस की राशि किसान न्याय योजना के माध्यम से देने का फैसला किया, यह बहुत अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, जो अन्य फसलें होती है, उन फसलों पर भी किसानों को सहायता राशि उपलब्ध हो जाएगी जी। जी थोड़ा सा यहाँ हमारा एक सवाल है कि जुताई और बुवाई में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है,
तो थोड़ा सा अगर ये पहली राशि अगर 20 22 25 करोड़ की 100 करोड़ की होती तो ज्यादा बेहतर किसानों को फायदा मिल सकता था क्या? ये बात बिल्कुल सही, लेकिन अगर औसतन छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति को आप देखें तो हमारे का किसान औसतन 2.5 एकड़ से 3 एकड़ का मालिक होता है, मतलब 1/4 राशि की बात करें तो 2,500-7,000 रुपए किसान को अभी पहली किस्त के रूप में मिलेगा। इससे किसान अपने लिए बीज की व्यवस्था कर सकता है और बोनी की तैयारी कर सकता है। 7,000 रुपए पर्याप्त होते हैं किसान को शुरुआत की खेती की शुरुआत करने के लिए। जी संकेत जी, जहाँ सामान्यतः होता क्या है, जो सूदखोर होते हैं किसानों को जब बुवाई और जुताई के समय पैसा उनको बहुत आवश्यकता होती है, फिर खाद के समय, तो वो उनसे सूद पे पैसा उठाते हैं, ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं प्राइवेट उनसे। और अंत में होता क्या है कि अगर प्राकृतिक आपदा आई, कुछ अन्य तरह की आपदाएं होती है, तो वो किसानों को एक तरह से कमर तोड़ देती, क्योंकि वो सूद से अगर उन्होंने ब्याज से पैसा उठाया है किसी सूदखोर से तो वो ब्याज उसका लगातार बढ़ता जाता है और वो ब्याज के बोझ तले दबता जाता है, क्योंकि जब फसल आएगी उसकी बिक्री होगी उसका पैसा आएगा तभी वो पटाएगा। इस योजना से क्या सूदखोरों से भी मुक्ति मिलेगी क्या किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को? देखिए, एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि यह योजना छत्तीसगढ़ के लगभग 19 लाख किसानों के लिए लागू हुई है जी। और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में वास्तव में 36,50,000 किसान है जी। तो एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के आधे किसानों को लाभ हुआ इस योजना से जी, तो बाकी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये एक दुर्भाग्य की स्थिति। तो ऐसे किसान सूदखोरों के कब्जे में जा सकते हैं, क्योंकि उन किसानों के पास पैसा बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि उनको सरकार से कोई मदद नहीं मिल सकी है। तो ऐसे किसानों के लिए अगर सरकार कोई ऐसी इसी योजना में अगर उनको भी शामिल कर लेती, जो 50% किसान लगभग बच गए हैं, तो ये सूदखोर वाली स्थिति किसानों के सामने नहीं आती। और मुझे ये भी लगता है, लेकिन ये जो किसान है जिनको मिल रहा है ये तो मुक्त हो जाएंगे जी, ये तो मुक्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। इन किसानों को भरपूर लाभ होना है और सूदखोरों के जाल से ये किसान तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि किसानों को बैंक का सोसाइटी से जो कर्ज मिलता है वह भी इसी समय मिल रहा है। तो यह दोहरा लाभ की स्थिति हो रही है कि एक तरफ किसानों को बैंक के माध्यम से ऋण मिल रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार मैं समझता हूँ लगभग 4,000-5,000 करोड़ रुपए किसानों को ऋण के रूप में वितरित करती है बैंकों के माध्यम से। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि होगी जो किसानों को सहायता पहुंचाने में काम आएगी। सिंह साहब, इस योजना से छत्तीसगढ़ का फ्यूचर आगे कैसे देखते? देखिए, किसान है, खेत है, खलिहान है, तो देश है, ऐसे में और प्रदेश भी है कि इसके बाद ये, जैसा कि पटेल जी ने भी कहा कि पूरे देश के लिए छत्तीसगढ़ एक नजीर बन गया है, किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ कहलाएगा। क्या आपको लगता है कि इस नजीर के बाद आगे भी आप इस तरह किसानों को और हर दूसरी दूसरी तरह से राहत देते रहेंगे? और दूसरा सवाल ये कि ऐसे दौर में जब केंद्र ने आपको कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया है, फिर आपने 5,700 करोड़ की राशि कैसे आपने किसानों के लिए किस राजस्व के तहत आपने ली और उनको वितरित कर रहे हैं? देखिए, जब काम करने की जब दृढ़ इच्छा होती है जी, तो कोई भी काम में अड़चन नहीं आती है जी। जिस समय सरकार बनी, हम लोगों ने कहा था कि सरकार बनते ही हम कर्जा माफी किसानों का करेंगे जी। तो कई तरह के सवाल उसमें आएगी, कैसे कर्जा माफी होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, लेकिन व्यवस्था हुई और हम लोगों ने 20,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया। अब ये अभी जो MSP में जो धान खरीदी गई थी, गन्ना खरीदा गया था जी। तो अब इसको न्याय योजना के तहत उनको बोनस देने की जो बात आई थी, जिसको आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने इसको मना कर दिया कि हमारे MSP से अगर 1 रुपया भी अगर अधिक देंगे तो आपके जो कोटे की चावल है वो हम नहीं लेंगे जी। लेकिन मैंने कहा कि जो भूपेश बघेल जी की जो दृढ़ इच्छा है कि किसानों ने हमारा खुलकर साथ दिया जी, तो हम भी किसानों के लिए दिल खोल कर अपनी व्यवस्था करेंगे और उसी के तहत किसानों के जो न्याय हो सके। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को हम लोगों ने शुरू किया और हम लोग बिल्कुल दिए हैं। ये पहला किस्त में जैसा मैंने बताया कि 1500 करोड़ का हमने दिया है और पूरे 5,700 करोड़ हमको देना है, उसको हम लोग निश्चित रूप से देंगे। और जहां तक कर्जा लेने की बात थी, तो आपने अभी हम ठाकुर साहब ने कहा कि जो समितियों के माध्यम से जो कर्ज लेते हैं करीब 4,000 करोड़ कर, उसमें भी हम लोग देते हैं। तो किसानों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, सरकार के पास अगर काम करने की अगर दृढ़ इच्छा होती है
तो निश्चित तौर पर वो काम पूरा होता है और किसानों को पूरा भरोसा है। इस समय चुनाव हम लोग के हुए, ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर बनती है तो हम ये कर्जा माफी करेंगे। किसानों ने अपना धान नहीं बेचा था, रोक के रखा था। सरकार बनने के बाद उनका पूरा विश्वास था कि सरकार किसानों के साथ है और हम पूरे विश्वास के साथ उनको अपना समर्थन दिए हैं। तो निश्चित तौर पे किसानों के हित में जो आज निर्णय हुआ है वो देश के लिए एक नजीर बन के उभरी है। सिंह साहब, ये पैसे जो व्यवस्था कैसे की आपने? दृढ़ इच्छा तो है लेकिन व्यवस्था कैसे की? और साथ में जैसा कि संकेत जी कह रहे हैं, नहीं मैंने कहा ना कि अगर संकेत जी कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ के आधे किसानों को तो आपने लगभग सूदखोरों से मुक्ति दिला दी है, क्या बाकी किसानों के लिए भी सरकार कुछ सोचेगी? नहीं, मैंने कहा ना कि अगर 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 काम करने की दृढ़ इच्छा रहती है तो काम सफलीभूत हो जाते हैं। अभी 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 हम लोग केवल गन्ना में और धान में और मक्का में दे रहे हैं, अगले आने वाले हम लोग समय में जो जो खरीफ की फसलें और हैं, वो चाहे सोयाबीन का हो, मूंगफली का हो, तिल का हो, रहर का हो, राम तिल का हो, ये दलहन तिलहन में भी हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ताकि किसान इस ओर भी आए और उनको भी सहायता मिल सके। जी जी उसको पटेल जी क्या कहेंगे आपको, क्या वाकई में सूदखोरों से ये किसान मुक्त हो जाएंगे और आने वाले एक दो साल तक अगर मुक्त हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा मतलब अपने उत्पादन में और ध्यान देंगे? सूदखोरों से मुक्त उस दिन होंगे जब बैंक उनको आसानी से ऋण सुलभ करा पाए, जिनकी जरूरत बहुत कुछ वो बैंक पर ही निर्भर करता है, खास करके सहकारी बैंकों को जब गाँव में इसका जाल रहता है उस पर निर्भर करता है। और कुछ किसान ऐसे भी है कि सूदखोरों के चक्कर में फंसा कि सूदखोर उनको पैसा दे देता है, वो सूदखोर पहले ब्याज भी काट लेता है जब पैसा देता है, तो सूदखोरी से बचाना की तरफ भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इतना 1800 लगभग 600 से 700 रुपए पर क्विंटल किसानों को अतिरिक्त मिल रहा है तो वो उसी खाद बीज के लिए ही वो उनको जो रह गए उन किसानों को जो कवर नहीं हो पाए, लेकिन जैसे प्रेम साहब जी आधे किसान की आधे किसान इस सीजन में फसल करते हैं, बाकी किसान दूसरे उसमें कवर हो जाएंगे जब नई उनके खरीफ की फसल आएगी, तब खरीफ की फसल वो जो किसान लेते हैं उनको उसमें फायदा मिल जाएगा, तो ये बोले सब फसलों को हम देंगे। तो इस प्रकार से कि इस योजना का लाभ किसानों को तो मिलेगा और उम्मीद की जाती है कि सूद खोरों के चंगुल में कम से कम फंसेंगे, लेकिन एक चीज अलग इस ये योजना भूपेश बघेल सरकार ने लागू करके भाजपा शासित राज्य सरकार और अन्य राज्य सरकारों पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा कर दिया कि आपको भी किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसी योजना जिससे उनको सीधा लाभ मिल सके। जी ये मनोवैज्ञानिक दबाव तो पैदा कर दिया, उनके साथ संकट नहीं पैदा कर दिया, संकट भी पैदा किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो या जो और सरकारें हैं बाकी अन्य राज्य सरकारों को करना, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसलिए दबाव होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी क्रांतिकारी उनका उनको एक दबाव होगा कि ये लागू करना ही पड़ेगा उनको आगे पीछे चल के। जी 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 तो संकेत जी एक बार फिर, क्या इस ये जो बोनस राशि दी गई है तो धान के लिए दी गई पर क्विंटल, ये बोनस इस बोनस राशि से दूसरे फसल का उत्पादन करने वाले किसानों को, इससे बहुत सारे होंगे दूसरे फसल का भी उत्पादन करते होंगे, उनको कितनी राहत मिलेगी? संकेत जी आप कृषि विशेषज्ञ हैं, आपको ज्यादा बेहतर इस बारे में मालूम होगा। देखिए गत वर्ष जिस तरह से धान को बोनस को लेकर कुछ किसानों उत्साह जगा था, तो गत वर्ष लगभग 2 लाख किसानों ने अन्य फसलों की खेती को छोड़कर धान की खेती को अपनाया था जी, और इस वजह से गत वर्ष किसानों की संख्या बढ़ी धान उत्पादन करने वालों की जी। यह एक गंभीर स्थिति है क्योंकि हमें अपने भोजन में अपने आहार में संतुलन की आवश्यकता है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो चावल से मिलता है, तो हमको दाल भी चाहिए जो प्रोटीन के रूप में स्रोत बनता है, तो दलहन तिलहन ये एक महत्वपूर्ण फसल है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और अभी शायद किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से इसे शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जैसे मैंने सुना है कि दलहन और तिलहन के उत्पादक किसानों को भी सरकार आने वाले समय प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है जिसमें किसानों को धान के बराबर का ही लाभ अन्य फसलों से मिल जाए, तो निश्चित रूप से किसान जो है अन्य फसलों की खेती को करना चाहेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत समझदार हैं, वो वर्षों से दलहन तिलहन और अनाज फसलों की खेती अच्छे से संतुलन के पूर्वक करते रहे कि खरीफ में अगर धान लगता था तो रबी में चने की खेती अलसी की खेती होती रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की प्रोत्साहन राशि अगर मिलेगी तो किसान वापस उस दौर में चले जाएंगे जिससे संतुलन पूर्वक फसलों की खेती को कर सकेंगे। पूछ लेते सिंह साहब, क्या दूसरे जो फसलों का उत्पादन करते हैं दलहन तिलहन खासकर, क्या उन किसानों के लिए भी कोई योजना है? ये तो धान खरीदी के लिए योजना थी, बाकी और उनके लिए भी कोई योजना है?
नहीं देखिए, किसानों का जो जहाँ तक बात है, जो कहा गया कि उत्तम खेती मध्यम बांध जो पूर्व में जो कहा गया था जी, लेकिन अभी इस सरकार बनने के बाद जी, भूपेश भाई की सरकार बनने के बाद दो किसान की खेती की तरफ लौटे हैं जी। जो लोग अधिया देते थे या दूसरे के भरोसे काम कर जो कराते थे, वो लोग अब खुद खेती करने लगे हैं जी। और जो अभी हम जो बोनस दे रहे हैं वो धान के को दे ही रहे हैं, उसके अलावा गन्ना जो कृषक हैं, जो मक्का के जो कमाने वाले हैं उनको भी दे रहे हैं, और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से दलहन और तिलहन पर भी हम लोग का ध्यान रहेगा ताकि लोग खेती की तरफ लौटे जी। जी जी, अगली अगली किस्त कब तक जारी कर देंगे? देखिए अभी जुताई बुवाई हो गई, खेती है, जल्दी ही खाद डालने की भी समस्या आ जाएगी, एक दो महीने के अंदर तो जारी कर देंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल जल्दी करेंगे उसको भी। चलिए बहुत 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 सिंह साहब, हमारा एक बार फिर आपको बधाई, और किसानों के लिए आपकी सरकार भूपेश सरकार ने सोचा, धन्यवाद। जैसा कि हमारे पटेल जी बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अन्य सरकारों के सामने भले कांग्रेस को संकट खड़ा कर दिया आपने, और संकट खड़ा किया अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संकेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल जी आप तो हमारे साथ हैं अभी। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये रकम धान, मक्का और गन्ना किसानों के खाते में सीधी जमा होगी। पहली किस्त धान के 18,34,834 किसानों को दी गई, जबकि 34,637 गन्ना किसानों को 73,55,00,000 की सब्सिडी दी जाएगी। वैसे इस योजना के लॉन्च होने के बाद अब ये भी देखना होगा कि क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी। दरअसल यूपीए शासनकाल के दौरान शुरू की गई मनरेगा योजना से पार्टी को काफी लाभ हुआ था। हालांकि नरेंद्र मोदी की लहर के कारण उसे केंद्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, लेकिन मनरेगा आज भी जारी है और गरीबों को इसके जरिए मदद दी जा रही है। ऐसे में क्या न्याय योजना भी कांग्रेस के लिए देश में संजीवनी का काम करेगी, ये देखना अहम होगा। चलिए फिलहाल रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा है।